एक्चुअली मेरे जितने भी पिक्चर्स जो मेरा अपना पसंदीदा जो चीज़ें मुझे पसंद है, जिन चीज़ों का मुझे शौक़ है, वो बहुत ही बेसिक है। बहुत ज़्यादा डेक्ड अप मैं कभी नहीं होती हूँ, बट ये इंटरेस्टिंगली हम एक पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। परफेक्ट वुमेन मैगज़ीन ख़ास तौर पे ये एक स्पेशल एडिशन रिलीज़ कर रहे हैं जो मेरे बर्थडे पर रिलीज़ होगा, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज लॉकडाउन के कारण एंड ऑफ कोर्स कोरोना है, सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, बार बार हाथ सैनिटाइज करो, मास्क पहनो निकालो। तो आई थिंक पिछले जितने भी फ़ोटोशूट हुए हैं उन सबसे बहुत ही ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि फ़ोटोशूट हमेशा मतलब हमें इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना पड़ता है, इस बार फोकस हाइजीन और तमाम और चीज़ें भी थी। बट मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये बर्थडे के लिए स्पेशल एडिशन है, जो एक बहुत ही स्वीट जेस्चर है उनके साइड से, सो इसलिए वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट। सी हर बार बर्थडे खैर मेरे लिए बहुत ही एक स्पेशल ओकेजन रहा है हमेशा से, इस बार का सेलिब्रेशन डेफिनेटली थोड़ा अलग होगा बिकॉज कोरोना है, बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं हो सकती, तो हम ये एक म्यूचुअल डिसीजन था कि क्या किया जाए कि यू नो हम फैंस के लिए, जो लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं कि मेरा बर्थडे एक सर्टन वे में होगा, तो हम क्या कर सकते हैं। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली इस बार हमने सोचा, जो मेरा फर्स्ट थॉट था कि हम शायद कुछ भी ना करें, एक बहुत ही बिकॉज ऐसे टाइम पे किसी को गैदर करना कहीं पर भी बहुत करेक्ट डिसीजन नहीं है, मैं खुद भी उसके अगेंस्ट हूँ, पर ये परफेक्ट वेमेन टीम और एक और टीम है जिनके बारे में आप मेरे बर्थडे पर जानेंगे, उनकी तरफ से एक बहुत ही स्पेशल सा जेस्चर आया, उन्होंने मेरी टीम से बात की, मुझसे बात की कि वो मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं मेरे बर्थडे पर, क्योंकि लोगों को आदत पड़ गई है कि बर्थडे कुछ स्पेशल होना चाहिए, तो इसलिए हम भी अब उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। जी मेरे हिसाब से परफेक्ट वुमेन का मतलब ये नहीं होता है कि आप में ये चीज़ें होनी चाहिए, वो बॉक्स को टिक मार्क करना ज़रूरी है। परफेक्ट वुमेन का मतलब ये होता है आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी लाइफ को बहुत ही पेशेंटली, बहुत एम्पथी के साथ, बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ डील कर सकें, आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं आप अपने सर्कमस्टांसिस को ध्यान में रखते हुए अपने लिए इम्परफेक्शन में भी परफेक्शन क्रिएट करें, क्योंकि हम पुतले तो सारे हैं नहीं, सब अलग हैं, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया कि इनको ऐसा ही होना चाहिए, आई थिंक आप जैसे भी दिखते हैं, जो भी काम करते हैं, एज लॉन्ग एज आप वो डिग्निटी ग्रेस के साथ कर रहे हैं, आप बहुत 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 परफेक्ट हैं। एंड हमने आपका सिंगल देखा, इसके अलावा यू जी जी कुछ ही घंटों में अभी मिलियंस ऑफ व्यू आ गए, एंड जी एक रोमांटिक वीडियो है, तो आप बताइए कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, सेम आई वो मेरा ये कोरोना वाले फेज़ में, अनलॉकडाउन वाले फेज़ में पहला शूट था, तो बहुत ही एक्साइटिंग भी था और हेजिटेशंस भी बहुत सारे थे, बिकॉज सैनिटाइज करना, एंड देन आई थिंक सेट पे जब सब ने मास्क लगाया हुआ था और हमने एक्टर्स ने नहीं लगाया था, वो एक मोमेंट था जहाँ पे वो थोड़ा सा एक होता है ना कि हाँ लाइक थोड़ा सा कुछ ऑकवर्ड था, बट वी एंजॉयड। बहुत ही अच्छी टीम है, पलाश मुछाल, पलक, उनकी सिस्टर टेरेंस सर, जो डायरेक्टर हैं सौरभ, पूरी टीम एक्चुअली बहुत यंग लोग हैं, सो जब पलाश और सौरभ मेरे घर आए थे और उन्होंने कहा कि ये डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मैं काफ़ी हैरान थी, क्योंकि डायरेक्टर्स यूजुअली एक सर्टन उम्र के होते हैं, एंड पलाश ने बहुत अच्छा गाना कंपोज किया है, लिरिक्स बहुत अच्छी हैं। मैंने पहली बार जब गाना सुना था तो मैं गाने से ही बहुत खुश हो गई थी, तो विजुअली आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि नहीं इसका ट्रीटमेंट भी कुछ वैसा ही होगा, बिकॉज हर गाने का अपना एक फ़ील होता है, एंड तू है तो का बहुत ही खास सा फील है, सो देन वी रियलाइज कि इसका ट्रांसलेशन ऑन स्क्रीन बहुत अच्छा होगा। जी ओवरवेल्म्ड एंड ग्रेटफुल, एक न्यू लेबल है एंड लोगों ने इतने अच्छे से प्यार से एक्सेप्ट किया, अप्रिशिएट किया, सारे कमेंट्स पढ़े, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच, एंड हम ऐसे ही कुछ कुछ मौके ढूंढते रहेंगे आपको एंटरटेन करने के। जी मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ अब एक्चुअली, क्योंकि
ऑफ कोर्स आदत है सेट्स पर रहने की एंड अच्छा लगता है, मेरी सबसे हैप्पी प्लेस वही है। तो अब जब इतना लंबा गैप हो गया है, 6 महीने हम सेट पे कोई फिल्म शूट के लिए नहीं पहुँचे हैं, तो थोड़ा तो अटपटा लग रहा है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट एक फिल्म है जिसका शूट मुंबई में होना है, एक है जिसका हैदराबाद में होना है, तो आई एम वेटिंग कि सारी डेट्स आएँ, होपफुली नवंबर में हम शूटिंग शुरू करेंगे। जैसा कि आपने भी बात की, हम सभी देख रहे हैं कि कोविड के टाइम पे हम सब जो है प्रिकॉशन ले रहे हैं जी, सारी दुनिया एक तरह से 6 मंथ या जो भी राइट हर किसी का जो बिगबॉस बन गया था हर किसी के लिए, तो इन लॉकडाउन के टाइम में दिहाना जी ने ऐसी कोई एक्टिविटी सीखी, कोई एक्टिविटीज किया जो आपके लिए ऐसे बहुत ही? मैंने पेंटिंग की, मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। मैंने पहले कभी भी कैनवास पे पेंट नहीं किया था, इनफैक्ट मैंने पेंटिंग सीखी भी नहीं है, बट लॉकडाउन में इतना टाइम था तो ऐसे चलो ठीक है कुछ नया ट्राई करते हैं। एक्चुअली बचपन में पेंट किया करती थी मैं, बट एक आई थिंक वो एक फेस था, लाइक मेरे 5th-6th स्टैंडर्ड तक मैंने काफ़ी सारी पेंटिंग्स की हैं, उसके बाद वो रुक सा गया बिकॉज ऑल चीज़ों में बिजी हो गई थी, बट देन लॉकडाउन में वो शुरू करके मुझे बड़ा मज़ा आया। जी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, आप कितना फॉलो करती हैं या फिर क्या कहना चाहेंगे आप बिग बॉस के? सी मैं सैटरडे संडे वाले एपिसोड्स देखती हूँ, प्रॉपरली फॉलो इसलिए नहीं करती हूँ बिकॉज मैं उस घर में एक बार रह चुकी हूँ, एंड मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगता है एक बार अगर आप उस घर में रह लो तो उसे बार बार देखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट मोर और लेस मुझे पता होता है क्या चल रहा है घर पर, एंड इस बार का सीज़न आई विश द बेस्ट टू एवरी वन। अपना ख्याल रखें, हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोरोना इज स्टिल अराउंड, तो आई फील आई जस्ट होप कि सब लोग हेल्दी रहें, दैट्स द थिंग। फिलहाल एक्चुअली सिर्फ इतना ही कि आप अपना ख्याल रखिए एंड प्रिटेंड नहीं करना चाहिए बिकॉज 24 घंटे कोई प्रिटेंड कर नहीं सकता, और अगर आप करेंगे तो वो प्रिटेंशियसनेस पकड़ी जाएगी जो अच्छा नहीं होता है, सो ट्राई एंड बी योरसेल्फ जैसे भी आप हैं। एंड सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो बिग बॉस में होती है सलमान खान जी, तो आप बताइए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो सैटरडे संडे एपिसोड्स ही इसलिए देखती हूँ क्योंकि वो आते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट हाँ ही इज़ अ लवली होस्ट एंड उनको जितने बार देखते हैं अच्छा लगता है बिकॉज यू नो एक बिग बॉस का कनेक्ट भी रहा है, सो आई विश द बेस्ट टू एवरीवन। यू नो प्रेजेंट टाइम में क्योंकि आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम किया, ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा कई सारे मुद्दे आपस में उलझ गए हैं, एंड बिल्कुल फेयर नहीं होगा मेरा कोई उछला हुआ सा ओपिनियन देना, ओके, बिकॉज मैं अपने ओपिनियन से किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहती, बिकॉज हो सकता है मैं किसी एक पहलू से बोल रही हूँ, आप किसी और पहलू से सोच रहे हैं या मेरी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट डेफिनेटली कुछ चीज़ें एथिकल हैं, कुछ चीज़ें एथिकल नहीं हैं, एंड एक तरीके का फिल्ट्रेशन चल रहा है, सो आई एम जस्ट बिकॉज हमारी गवर्नमेंट इन इतनी चीज़ें अब इन्वॉल्व हो गई हैं कि मैं एक्चुअली एज अ लेमैन अब देख रही हूँ, आई एम वॉन्टिंग टू सी कि ये सब कुछ एंड किस तरीके से होता है। और जाते आते कुछ फोटो शूट हैं अपने टॉपिक पे, उस फोटो शूट के टॉपिक पे आते हैं, तो आप दिगानना जी का फेवरेट पोज कौन सा होता है, एंड कैमरे के सामने करके दिखा दीजिए, एंड फेवरेट पोज एक्चुअली सिर्फ यही है, सो आई एम जनरली स्माइलिंग, मेरे लिए स्माइल कंट्रोल करना इज लाइक अ टास्क, बट ठीक है पिक्चर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।